हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेली स्पार्कली। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम के अंदर हम ई इन्वेस्ट को कैसे जनरेट करें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेली प्राइम के अंदर ई इन्वेस्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको ई इन्वेस्ट की सेटिंग करना रहेगा कि आपको उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है ई इन्वेस्ट जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको डेमो दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको सेल्स वाउचर अपना ओपन करके दिखाता हूँ। आपको एफएट प्रेस करना है। अगर आपका जनरल वाउचर या परचेस वाउचर या पेमेंट वाउचर खुला हो, आपको सेल्स वाउचर ओपन करना है, तो आपको एफएट प्रेस करना है। जैसे आप एफएट प्रेस करेंगे तो आप इस टाइप से आपका सेल्स वाउचर ओपन कर सकते हैं। जैसे आप सेल्स वाउचर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक डेमो के लिए बताता हूँ, आप यहाँ पे सेल्स 18% ले लीजिए। फिर कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ मैं, CGST 9%, देन SGST 9%। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है ई इनवॉइस जनरेट करने का। तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, आपको बैक बैक जाना है, देन आपको गेट फ्रॉम टेली पर खड़े होकर आपको F11 प्रेस करना है। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो आपको एंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पर आना है टैक्सेशन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं GST एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, यस आपको इस पर एंटर करना है। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे देन आप इसके अंदर चले जाएंगे GST डिटेल के अंदर। अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ई इनवॉइस का एक ऑप्शन ऑन करना रहेगा। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई इनवॉइस फीचर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले ई वे विल एप्लीकेबल, तो इसको आप यस कर लीजिए। जैसे आप इसको यस करेंगे देन आपको एंटर प्रेस करना है। फिर आपको एक यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है ई इनवॉइस एप्लीकेबल, तो आपको इसको भी यस करना है। जैसे आप इसको यस कर लेंगे देन आपको नीचे नीचे एंटर प्रेस करना है। और एक और आपको इनवॉइस पर यहाँ पे लिखा हुआ सेंड ई वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइस, तो आपको इसको भी यस कर लेना है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे देन आप इसको एंटर करके आप इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपको ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है टेली प्राइम के अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स वाउचर अपना ओपन कर लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर ले लेना है, जो भी आपको इनवॉइस नंबर लेना है। जैसे मैं अभी 250 ले लेता हूँ। फिर आपको डेट चेंज कर लेनी, जैसे अपन अभी ले लेते हैं 16/18/16/2022। फिर यहाँ पे एक पार्टी ले लेना है आपको, आपको जिस भी पार्टी को इनवॉइस बनाकर देना है, देन आपको एंटर करना है। अब आपको सेल्स लेजर ले लीजिए, जैसे आपको 18% पर सेल इनवॉइस बनाना है या आपको 28% बनाना है, या अपन 18% बनाते हैं अभी, तो अपन 18% ले लिया है। फिर यहाँ पे अपन एक आइटम ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटर 32 बिट ले लेते हैं अपन, 25 पीसेस प्लस 25,000 के, ठीक है। तो ये मेरा आइटम होगा। फिर मैं यहाँ पे CGST लगा लेता हूँ, CGST लेता हूँ मैं 9% एंड SGST ले लेता हूँ मैं 9%। फिर मैं एंटर करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, प्रोवाइड GST ई वे बिल एंड ई इनवॉइस डिटेल्स। तो अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है तो आप इस यस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एंटर प्रेस करना है। फिर आपसे ये पूछता है ट्रांसपोर्ट वगैरह आईडी, अगर आपको ई वे बिल भी जनरेट करना है तो आप यहाँ पे इसको डिटेल फिल कर सकते हैं। अभी अपन को ई वे बिल डिटेल फिल नहीं करना है। फिर आपसे पूछता है मोड, आपका जो ई इनवॉइस है वो किस मोड में जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका जो माल है वो रोड से जा रहा है, लाइन से जा रहा है, एयर से जा रहा है, शिप से जा रहा है, तो अभी अपन इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो ये पूछता है बिल टू प्लेस, जहाँ भी आपका माल जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा जो आइटम है वो भोपाल जा रहा है, तो मैं यहाँ पे भोपाल लिख देता हूँ, देन यहाँ पे भी मैं भोपाल लिख देता हूँ। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा फिर मैं एक बार और एंटर करूँगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो ये पूछता है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन, तो आपको इसको यस करना है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो आपसे ये आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। जैसे आप आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो ई इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। अभी मेरे इस टाइप से आप टेली प्राइम के अंदर ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।